हेलो गाइस, गुड इवनिंग मार्केट टेक्निशियन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कल यानी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा। आज यानी 25 अप्रैल के लिए मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स बताया था निफ्टी के लिए 17,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इनके आसपास अगर आपको मिले तो आप सिंपल वहां पे एंट्री कर सकते हो। 17,000 के नीचे सेलिंग है, 17,700 के ऊपर हार्ड डिप में आप बाई कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लिए भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था 42,500 और मैंने वहाँ पर एक पोजिशन भी बनाया था। लाइव ट्रेडिंग वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए, जस्ट अपलोड हो चुका है। ओके, कैसे मैंने पोजिशन बनाया था, क्या रीजन्स था, सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का यहाँ पे कल नैरो सीपीआर होने वाला है। आज अगर देखें तो यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद सीपीआर को टेस्ट की और फिर पीडीएच को ब्रेक करते हुए यहाँ पे हाई लगा दिया, राइट। तो सिंपल कल के लिए भी मेरे हिसाब से जब तक इस पीडीएल को ब्रीच ना करे तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। कल का जो लेवल्स था वही लेवल से 17,700 ओके, क्योंकि जहाँ पे ओपन हुआ था उन्हीं के आसपास आके क्लोज दी एंड सीपीआर आप देख सकते हैं नैरो है। अगर इस किसी भी तरह ये जो पीडीएच है एंड पीडीएल है किसी भी तरह ब्रेकआउट हो तो एक अच्छा खासा मोमेंट निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर किसी भी तरह यहाँ पर मार्केट ओपन होते हैं जहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन होते हैं और इस पीडीएल को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद ये रेड कैंडल होगा, जैसे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन जाए तो आप एंट्री कर सकते हो जस्ट बिलो यहाँ पे, इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी तरह यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके नीचे की तरफ क्लोज दे दिया, कहाँ पे शॉर्ट करना है, शॉर्टिंग जो अपॉर्चुनिटी है 17,670 नोट कीजिए, 17,670 ये होगा सेल करने के लिए लेवल्स। जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। अगर आप इस पॉइंट पे पीडीएल पे आप एंट्री लेते हो तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है 17,750 के आसपास, यानी 40-50 पॉइंट के लिए निफ्टी में यहाँ पे एक बार लॉन्ग जा सकते हो, या फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिए और फिर इस पीडीएच को अगर हिट करे तो यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी बुक करना है 17,800, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के लिए भी, क्योंकि देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग कैसे दिखने को मिला निफ्टी में। तो निफ्टी का सिंपल सा लेवल है जहाँ पे ओपन हुआ, वहाँ से अगर ओपन होके इस सेंट्रल पिवोट के ऊपर भी सस्टेन करे तब भी आप बाइंग कर सकते हो, या फिर इस पीडीएल के आसपास अगर आपको मिले तब आपको बाइंग करना है, ठीक है। इसके बीच आपको बाइंग नहीं करना है, आपको अगर इस पीडीएल 17,710 के आसपास अगर मिले तो आप बाइंग कर सकते हो, टारगेट रहेगा 17,750-60 पॉइंट। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो आप 800 तक टारगेट के लिए यहाँ पे एक बार एंट्री कर सकते हो, ठीक है। एंड सेल कब करना है, सेल करना है 17,670 के नीचे, एक अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, उसके बाद आप सेल कर सकते हो। हर राइस में आप सेल कर सकते हो, सेल ऑन राइस फार्मूला यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, बड़ी 2-3 कैंडल बन गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं एंड फिर एक रेड कैंडल बन गया, अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पे एवरेज के थोड़ा ऊपर होना चाहिए, वॉल्यूम यहाँ पे इस तरह की कैंडल बन गया तो आप यहाँ पे ले सकते हैं एंट्री, शॉर्ट कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। इस तरह की लेवल में एंट्री लेने के पीछे रीजन ये है कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा है एंड टारगेट 2 times मिल रहा है टिल सेंट्रल पिवोट, यानी 17,750 यहाँ तक टारगेट के लिए एक बार यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो ये लेवल से आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए किसी भी तरह यहाँ पे 820 को ब्रिज करके सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिज कर दिया, फिर एक रिटेस्ट किया लेवल्स को एंड देन एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, इस स्विंग लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और इस जो रैली है रैली को एंजॉय करना है। सो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 700 ही है, 17,700 के ऊपर बुलिश है एंड 17,700 के नीचे बियारिस है। अगर डिप मिलते हैं तो हर डिप में आपको बाय करना है 17,700 के ऊपर, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है 17,800, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे कॉल राइटर खड़े हुए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें 0.8 है, ओके, 10 मिनट लिटिल बियारिस ये देख सकते हैं जहाँ से ओपन हुआ, क्लोजिंग उससे भी नीचे हुआ है एंड इनका जो अभी सेंट्रल पिवोट है 42,700। यहाँ पे ये जो लेवल्स है यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, बल्कि शॉर्ट करने के लिए मैं कहूँगा कि शॉर्ट करना है 42,500 के नीचे,
सो बैंक निफ्टी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी में बता देता हूँ, सेल करना है जहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे पुट राइटर खड़े हुए हैं 42,470 नीचे की तरफ अगर ब्रिज करें तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, हर एक राइस में सेल करना है। जो 700 लेवल बताया निफ्टी के लिए, यहाँ पे है 42,500 के नीचे अगर सस्टेन कर जाए, क्लोजिंग दे दे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से हर एक राइस में, हर एक स्विंग हाई में आपको शॉर्ट करना है। तो ये लेवल्स आप नोट करके रखें। लेकिन क्लोजिंग हुआ है 650 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, यानी 150 पॉइंट जो है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बाइंग ना सेलिंग, क्योंकि ये PDL है। यहाँ पे अगर आप बाइंग करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल पिवट है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं बन रहा है। तो सेलिंग करने के लिए मैंने आपको बता दिया, बाइंग करने के लिए क्या लेवल्स है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी तरह बैंक निफ्टी सेंट्रल पिवट यानी 700 के ऊपर आ जाए तो आपको सेल तो नहीं करना है, ठीक है, हर एक डिप में बाई करना है। सेलिंग कब करना है, 42,500 के नीचे सेलिंग करना है। सो 42,000 ये जो लेवल्स है 42,700 इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे 850 यानी 120 पॉइंट टारगेट के लिए यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस जस्ट बिलो सेंट्रल पिवट के लिए यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री बन सकता है टिल PDH, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक रेक्टेंगल बटन बनाने के बाद ब्रेकआउट दे दे, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ इस पॉइंट पे शॉर्ट करने के लिए नहीं कहूँगा। बाय कर सकते हो अगर सेंट्रल पिवट के ऊपर आ जाए, यानी 730 के आसपास आ जाए, तो आपको यहाँ पे बाय करना है। स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 100-120 पॉइंट टारगेट के लिए यहाँ पे एक बार आप एंट्री कर सकते हो। ये है बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस 42,500 के आसपास मैं बाइंग करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 600 यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फिल कर सकता है। अगर मान लीजिए कि ये लेवल्स को ब्रिज कर दे 42,900 के ऊपर आ जाए, तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। सबसे पहला टारगेट रहेगा 43,100 एंड 43,300 तक मोमेंट देखने को मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स, चार्ट के ऊपर मार्क करके जरूर रखें। एवरीडे इस तरह की वीडियोस बना के मैं लेवल्स अपडेट कर देता, तो जरूर देखा करिए एंड बहुत ही हेल्प रहेगा। ये जो वीडियो में मैंने जो लेवल बताया था 42,500 में, उसी लेवल पे मैंने आज एंट्री भी ली, राइट। तो इसलिए इस तरह की लेवल चार्ट के ऊपर मार्क होना चाहिए बिफोर मार्केट ओपन। और आज मैंने जो पोजीशंस लिया था, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आप देख सकते हो। और अगर आपको सीखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, हाउ डू आई ट्रेड विथ प्राइस एक्शन एंड पिवट पॉइंट्स, तो इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कोर्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे कंटेंट सेक्शन में आप देख सकते हो कि सीखने को क्या मिलेगा गाइस। एंड कुछ भी क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। और आप अगर हमारे प्राइम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे अंडर अकाउंट ओपन करके बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।